अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्त। लेट्स इंट्रोड्यूस माय सेल्फ मोहम्मद साजिद खान। मैं आपके पास आज इडियम्स लेकर आया हूँ और आप इडियम्स में अच्छे अच्छे सेंटेंस को देखिएगा। चलिए दोस्तों, इडियम्स में सेंटेंस भी आते हैं और वर्ड भी आते हैं, तो चलिए मैं देखते हैं मिक्सअप मैंने बनाया हूँ। चलिए आज देखते हैं, मतलब मोस्ट आप इडियम्स में मतलब वर्ड ही देखिएगा, एक या दो वर्ड होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, रीड करते हैं, देन आपको उसकी मीनिंग बता दे। चलिए स्टार्ट, इंग्लिश स्टार्ट। ए फ्लाइंग विजिट वन अ ब्लू मून थ्रू द कार्स क्लोज टू हैंड एन आयरन वेल हाई टाइम राइट टाइम, दोनों में एक बोल सकते हैं कोई भी। An apple of discord, add fuel to the fire, a leap in the dark, in hot water. दोस्तों मैंने इसको रीड कर दिया, आपको बता दिया कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। चलिए दोस्तों वन बाय वन इसका मीनिंग बताते हैं, चलिए देखते हैं। लेट स्टार्ट। ए फ्लाइंग विजिट मतलब कहने का मतलब होता है, फ्लाइंग विजिट का मतलब कहीं भी जाना थोड़े से समय के लिए, घूमने के लिए। फ्लाइंग विजिट यानी कुछ देखने के लिए, जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं फॉरेन से अपने कंट्री में, अपने कंट्री के लोग फॉरेन जाते हैं मतलब टूरिस्ट वीजा विजिटिंग के लिए थोड़े समय के, 15 डेज वन मंथ जस्ट लाइक दैट। देन वन अ ब्लू मून मतलब वन अ ब्लू मून कभी कभी, मतलब कभी कभी आता है, मतलब हर इंसान की जिंदगी में सुनहरा लाइफ कभी कभी आता है यानी कभी कभी। देन थ्रू द कार्स, थ्रू द कार्ड्स के मतलब होता है हिम्मत को हार जाना, यानी मान लीजिए मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, अपना काम कराना चाहता हूँ, तो बार बार मैं वीजा लगा रहा हूँ लेकिन मेडिकल फेल हो जाता है, तो मैं हिम्मत आ गया, अरे यार ये होगा ही नहीं, मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अनदर एग्जाम्पल लीजिए कि मैं अपने क्लास में फिफ्थ रैंक पे हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे टॉप आना है, टॉप आना है, टॉप आना है, मैं यार नहीं आ रहा हूँ, एक दो बार कोशिश किया आने का लेकिन थर्ड फोर्थ पे सेकेंड पे लेकिन टॉप नहीं, फिर चल जा रहे यार मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा, वो बेस्ट है, हम जितना हार्ड वर्किंग करते उससे ज़्यादा वो करते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं, यानी हिम्मत हार जाना। और एक बार आप सोचिए जब फिफ्थ से फोर्थ आ गए, थर्ड आ गए, सेकेंड आ गए, तो वन डे वी विल बी फर्स्ट एंड टॉप वन। द नेक्स्ट वन इज दैट क्लोज टू हैंड, बहुत ही नज़दीक, जो बेटा होता है, जो सन होता है, अपनी मम्मी का, अपने माँ का, अपने अम्मी का सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, उसी को बोलते हैं क्लोज टू हैंड, बहुत ज़्यादा नज़दीकी। देन एन आयरन विल, पक्का इरादा का इंसान, एन आयरन विल मतलब पक्का इरादा करने वाला, जो पक्का इरादा एकदम ठोस इरादा करता है। देन हाई टाइम राइट टाइम, इसका मतलब होता है दोस्तों उचित समय, सही वक्त, मैं सोच लिया कि मुझे इस वक्त अपना सेलफोन ले लेना, मुझे इस वक्त बाइक लेना है, मुझे इस वक्त डीएसएलआर लेना है, तो मतलब जो भी करना है सोच लिया उसी समय मैं अपना काम कर लिया, मतलब देखिए मेरा बजट कब आ रहा है, मतलब राइट टाइम उचित समय। देन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा का जड़, झगड़े का जड़, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए द कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कश्मीर है इंडिया और पाकिस्तान का झगड़े का जड़ है, यही ना है कश्मीरी तो है, एक सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे बता दे रहा हूँ और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सेंटेंस वर्ड इडियम्स देख सकते हैं, आपको इडियम फॉर्म में मिलेगा, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जाके आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, रिटर्न फॉर्म में होगा, लेकिन एक बार और सुन लीजिए। द कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान का झगड़े का जड़ है। देन एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब दोस्तों ये होता है कि झगड़े में घी डालना, झगड़े में घी डालना सिंपली, यानी जहाँ पे आग में घी डालना, यानी झगड़े में बात को बढ़ा देना, झगड़े में भी घी डालना, आग में घी डालना, यानी किसी में लड़ाई हो रही तो उसमें बड़ा चला का और लड़ाई करवा देना, उसी को बोलते हैं कि आग में घी डालना। देन ए लीप इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, सम टाइप आप ये भी बोल सकते हैं तुक्का, तुक्का मारना,
अंधेरे में तीर चलाना है, यानी मार दिया तुक्का, ये आ गया तो वो आ गया। चार ऑप्शन है, सी मार देते हैं, बी मार देते हैं, ए मार देते हैं, डी सही लगता है। अरे ए ज्यादा ऑप्शन है, सी बीच में पता है, सी को ज्यादा करते हैं, बी मार देते हैं, सी मार देते, जिसको जो मतलब बेस्ट लगता है वो करता है तुक्का मारना। देन इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत, इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत। तो दोस्तों आज के आइडियम्स मेरा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप मेरा सब्सक्राइबर नहीं है तो आपके स्क्रीन पे राइट में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उसको सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि कोई भी मैं अपना वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नोटिफिकेशन बॉक्स में देखकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लियर विजन नहीं हो पाता है, लिसन नहीं हो पाता है, जो भी प्रॉब्लम हो सकता है आप देख सकते हैं इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू will be get very good from me. Thanks for having me. Best of all.